पिता ब्रह्म कुमारी श्री ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा के स्मृति दिवस मास के उपलक्ष्य में 1 जनवरी से अखंड तपस्या के चलते करनाल के इंद्री शहर में एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी श्री ईश्वरी विश्वविद्यालय करनाल सदर बाजार की संचालिका किरण ने बताया कि इंद्री में शांति का संदेश देने हेतु यह 3 दिवसीय यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने इस शुभ कार्य के लिए शहर वासियों को शुभकामनाएं दी और बताया कि यह अखंड तपस्या 31 जनवरी तक चलेगी। अभी यह यात्रा इंद्री में निकाली जा रही है, लेकिन शिवरात्रि पर हल्के के गांवों में भी ऐसी यात्राएं निकालकर सच्चा सुख पाने का संदेश दिया जाएगा। बहन किरण ने संदेश दिया कि हम सभी आत्माएं सृष्टि रूप में अपना रोल अदा करने के लिए आई हैं। हमें समझना है कि हम कौन है, कहां से आई है और कहां जाना है। हम तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं और पूरे विश्व को शांतिमय और वह सुखमय कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ही सुखमय संसार बनाया जा सकता है। ऐसी ही कामना लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति कर मानव आसानी से अपने जीवन को निहाल कर सकता है, पर शर्त यह है कि शक्ति निस्वार्थ व सच्चे मन यानी श्रद्धा भाव से हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मानव को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इसीलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, सबका अच्छा ही सोचें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ईश्वर की कृपा दृष्टि मानव पर जरूर बनती है। उन्होंने कहा कि जो मानव गरीब व असहाय लोगों के दुख दर्द को समझता है, उनके काम आता है, उन पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि ईश्वर प्रत्येक मानव के अच्छे बुरे कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, इसीलिए कभी भी बुरे कर्म बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। बताते चले कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी श्री ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा के स्मृति मास के उपलक्ष में 1 जनवरी से अखंड तपस्या के चलते करनाल के इंद्री शहर में एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह अखंड तपस्या 31 जनवरी तक चलेगी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा जिनके स्मृति दिवस मास के उपलक्ष में 1 जनवरी से अखंड तपस्या चल रही है, सभी शांति सागर परमात्मा को याद करके शांति के वाइब्रेशन विश्व में फैला रहे हैं। आज इंद्री शहर में हम सभी ने, तपस्वी आत्माओं ने ये संकल्प लिया कि पूरी इंद्री में शांति का संदेश देना है, तो शांति के फरिश्ते शांति दूत आज निकले हैं पूरे शहर में जे शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए। हम सब की ये शुभकामना है कि इंद्री निवासी सभी भाई बहनें उस शांति के सागर परमात्मा से जुड़ करके जीवन में सच्चा सुख शांति प्राप्त करें, ऐसा संकल्प लेते हुए हम पूरी यात्रा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। 31 जनवरी तक रहेगी ये यात्रा। अभी 3 दिन तो शहर में निकाली जाएगी, बाकी अखंड तपस्या 31 जनवरी तक रहेगी। तो गांव में भी जाएगी इस प्रकार की यात्रा ताकि लोग जागरूक हों। अभी गांव-गांव में हम संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन यात्रा नहीं निकाल रहे, वो शिवरात्रि के पावन पर्व पे निकाली जाएगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें ये देना चाहेंगे कि हम सभी आत्माएं सृष्टि रूपी रंग मंच पे पार्ट प्ले करने आई हैं, तो इसलिए हमें ये समझना है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, और हम टेंशन फ्री कैसे रह सकते हैं और पूरे विश्व को शांति और सुख में कैसे विश्व को बना सकते हैं, क्योंकि सर्व के सहयोग से सुख में संसार बनना है। सर्व आत्माओं की जब पवित्रता की उंगली मिलेगी तो ये धरा जल्दी ही स्वर्णिम धरा हो जाएगी, ऐसी शुभकामना लेते हुए यात्रा निकाली जाती है। ओम शांति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।